गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि आई एम बिलोंग्स टू ओडिशा। सो ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जो हर साल एक सुपर साइक्लोन का सामना करती है। तो हम लोगों ने 1982 में सुपर फ्लड देखा, 1999 में सुपर साइक्लोन, उसके बाद हुडूड, उसके बाद फाइलिन, तो लिस्ट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और इस साल हम लोगों ने 3 मई को फोनी देखा और ये 8 बजे पूरी में लैंडफॉल हुआ। उसके बाद 8 बजे से लेकर 4 बजे तक इसका जो खतरनाक कहर था वो हम पे बरसाता रहा, हम लोग उसको सामना करते रहे। और इसका विंड स्पीड जो था वो 200 किलोमीटर पर आवर था गाइस। तो आप इमेजिन कीजिए क्या सिचुएशन हुई होगी हम लोगों का, जिन लोगों ने सामना किया उसका, और पूरी भद्रक, भुवनेश्वर, बालेश्वर, इस सब एरिया में उसका कहर चलता रहा 8 घंटे तक। इस 8 घंटे में हम लोगों ने क्या क्या झेला है, मैं बेसिकली खोर्धा का बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पूरी बालेश्वर, भद्रक उस जगह का वीडियोज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बंद है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है बंद हो चुका है। तो यहाँ पे जो हम लोग उस फनी का जो विंड स्पीड था वो 200 किलोमीटर से ज़्यादा था। तो यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा पेड़ जो है वो उखड़ चुके हैं, 300-400 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइन्स पोल्स जो है वो रबर की तरह बैंड हो चुके हैं, गाड़ियाँ इधर उधर उड़ रही है, लोगों के छत उड़ गए, लोगों के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, लोगों के दुकान, मतलब दुकान के ऊपर पेड़ गिर गए तो वो सब टूट गए। तो यहाँ पे बेसिकली बोला जाए तो जो नुकसान यहाँ पे हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और पूरी भुवनेश्वर, खोर्धा, बालेश्वर, भद्रक इस जगह को फिर से मतलब उस पुराने जगह की तरह बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं इस वीडियो के थ्रू, छोटा सा क्लिप है जिसके वजह से आप जो वीडियो देख के आप जान सके हम लोगों ने क्या क्या झेला है यहाँ पे, तो पहले वो देखिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। Thank you.
इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था क्योंकि मदर नेचर जब भी रूठती है तो उसके सामने हम लोग कुछ नहीं, और ये सब होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो गाइस, मेरा ये रिक्वेस्ट है सबको कि कम से कम एक साल में एक ही पेड़ हर घर के तरफ से लगना चाहिए, उसके वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है अच्छे से बैलेंस हो सके। और दूसरा रीज़न ये है कि जो भी अफेक्टेड एरिया खुर्दा, पूरी, बालेश्वर, भद्रक, भुवनेश्वर, जो भी एरियाज अफेक्टेड हुए हैं उनके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट के तरफ से तो मदद जितना हो सके उनके तरफ से वो तो कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, और इस वीडियो के थ्रू मैं तमाम उस लोगों के तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, वो सब वहाँ पे जाके उन लोगों का आप हेल्प कीजिए जितना आपसे हो सके, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसको और उनको पता चले और वो जाके हेल्प करें वहाँ पे। तो अच्छा लगा अगर वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, अगर नए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करो, और जो साइड में बेल का आइकन है उसको दबाओ ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो सी यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस टू वेल, थैंक यू गाइस।